बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों पर इस वक्त आयकर विभाग की कड़ी नजर है। बुधवार को फिल्मी हस्तियों के घर और ऑफिस में हुई छापेमारी का ये सिलसिला आज भी जारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम आज गुरुवार सुबह फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना के ऑफिस क्वान सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी पहुंच चुकी है। ANI ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि इनकम टैक्स विभाग की टीम की जांच आज दूसरे दिन भी जारी है और अधिकारी क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। बता दें कि बुधवार को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल और मधु मंटेना के घर और दफ्तर पर हुई। दरअसल आयकर विभाग फैंटम फिल्म से जुड़े हुए लोगों की जाँच कर रही है। फैंटम फिल्म्स पर आरोप है कि उसने टैक्स की चोरी की थी। फैंटम फिल्म्स की स्थापना अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, मधु मंटेना और विकास बहल ने मिलकर की थी। साल 2018 में विकास बहल पर लगे यौन शोषण के आरोपों के बाद ये कंपनी खत्म हो गई थी और चारों पार्टनर अलग हो गए थे। ये कंपनी फिल्म निर्माण के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती थी। साल 2012 में मधु मंटेना ने अनिर्बन दास के साथ मिलकर क्वान सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी शुरू की थी। ये वही कंपनी है जिसे सुशांत ने अपने लिए हायर किया था। मधु मंटेना फिल्म प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिनमें गजनी, क्वीन, NH10, मसान, उड़ता पंजाब और सुपर 30 जैसी फिल्में शामिल हैं। मधु मंटेना डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के कजिन भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।